ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5 डिग्री है। अब ये 5 डिग्री, ये एंगल क्यों इतना बना है वो आपको बोला है कि व्हाई इज द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज पिरामिडल। और अमोनिया मॉलिक्यूल है उसका शेप क्यों पिरामिडल फॉर्म में है? तो पिरामिडल फॉर्म में ये शेप है। यहाँ ऊपर लोन पेयर है और ये लोन पेयर का काम क्या है? वो ये तीनों हाइड्रोजन है उसको नीचे नीचे थोड़ा धक्का देती है। ऐसा मान लो कि ये तीनों हाइड्रोजन है उसको नीचे रखेगी और वो खुद ऊपर रहेगी और ये जो शेप बनेगा ये पिरामिडल टाइप का बनेगा, इसलिए उसका शेप है वो पिरामिडल है। पर ये प्रॉपर रीजन नहीं है, प्रॉपर रीजन हम देखेंगे वेले VSEPR थियरी में। इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वो सारा उसका सारा इंक्लूड करते हैं, बाद में आपको शेप के बारे में पता चलता है। पर वो फॉर्मूला हम तब पढ़ सकते हैं जब ये कंप्लीट कर दे। पहले तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग में ये देखो पीजेड पीजेड का ओवरलैपिंग होता था, तो जब प्लस और माइनस एक दोनों के एक दूसरे के साथ प्लस और माइनस प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन होता था तो प्लस प्लस के बीच में बॉन्डिंग बनती थी। ये प्लस प्लस के बीच में ओवरलैपिंग हुआ है। पीजेड पीजेड ऑर्बिटल, सिग्मा पीजेड, आपने ये वर्ड सुना है। सिग्मा पीजेड वाली ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग प्लस और माइनस के बीच में बताया है जो हमने लास्ट में देखा था। ये एस और पी के बीच का ओवरलैपिंग देखो, एस है, एस और पी में अगर प्लस प्लस साइन है, प्लस प्लस साइन है, उन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होता है तो इस तरह से बनता है। और ये पी जेड में जो माइनस वाला पार्ट है वो एस के साथ अटैच होता है, एस के साथ ओवरलैपिंग में आता है, तो इस तरह से ओवरलैपिंग हमें मिलता है। पी यहाँ पे पी वाई आप देख रहे हो, पी वाई अगर प्लस प्लस का ओवरलैपिंग होता है तो ये प्लस वाला पार्ट ऊपर आएगा और ये माइनस वाला पार्ट है वो नीचे आएगा। और ये पी वाई में फिर से आपको बताया है कि प्लस और माइनस का ओवरलैपिंग होता है तो इस तरह से दिखाई देता है। और ये आप सारा टॉपिक क्यों देख रहे हो? क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन अभी देखने वाले हैं कि जब एस और पी जेड का ओवरलैपिंग होगा तो कुछ आपको शेप मिलेगा। सपोज हम sp3 वाली बात करें तो s में एक में एक बात करें तो एक s ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल है। sp3 ch4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ओवरलैपिंग हम देखेंगे तब तीन p ऑर्बिटल होगी और एक s ऑर्बिटल होगी। ये आपने समझाना वो ओवरलैपिंग वाला प्लस और माइनस वाला? यस मैम, वो एक बार स्पीड में वो एक बार करा दो। क्या ये ओवरलैपिंग वाला? हाँ मैम। भाई पी ऑर्बिटल है इसको जनरली हाँ प्लस और माइनस फॉर्म में एक लोब होगा, वो वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वहां पे प्लस होगा और जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे माइनस, इतना मान लो। अगर प्लस और माइनस में ये पी ऑर्बिटल है, ये पी जेड ऑर्बिटल है, मान लो कि ये पी जेड ऑर्बिटल आपको एक यहाँ बताई है, एक साइड माइनस लोब है और एक साइड प्लस है, और दूसरी पी जेड ऑर्बिटल ले लो, अगर प्लस प्लस का ओवरलैपिंग होता है तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि प्लस प्लस का थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग यहाँ पे आप बीच में देख रहे हो कि इतना ओवरलैपिंग है। अगर पी जेड ऑर्बिटल है, यहाँ पे प्लस प्लस का ओवरलैपिंग हुआ है एस के साथ, ये प्लस है, प्लस वाला लोब है वो एस वाला प्लस एस का जो लोब है उसके साथ अटैच हुआ है, ये उसका ओवरलैपिंग यहाँ पे आप इतना देख रहे हो। यहाँ पे पी वाई ऑर्बिटल है उसमें प्लस प्लस का ओवरलैपिंग आप देख रहे हो कि इतना है, दोनों के प्लस प्लस का ओवरलैपिंग होता है तो ऊपर प्लस प्लस साइन आएगी, नीचे माइनस माइनस आएगी। अगर प्लस वो माइनस के साथ अटैच होता है, प्लस पार्ट है वो माइनस के साथ अटैच होता है तो प्लस साइन आपको एक साइड प्लस दिखानी है, एक साइड माइनस दिखानी है। नीचे एक साइड जहाँ पे प्लस है ऊपर प्लस होगी तो उसका नीचे वाला लोब होगा उसमें माइनस होगी, और जहां पे ऊपर माइनस है तो उसके नीचे वाला लोब है वहां पे नीचे प्लस में साइन होगी। यहाँ पे पी वाई में देखो, ये ऑर्बिटल कौन सी थी? ये पी जेड थी, ये पी जेड ऑर्बिटल थी, और ये यहाँ पे साइन नहीं दिख रही, पर आप टेक्स्ट बुक में देख लेना
पी एक्स वाली है, क्योंकि पी वाई वाली अब तो आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो प्लस प्लस है उसका ओवरलैपिंग हुआ है, तो प्लस प्लस साइन ये क्रॉस में करके आपको दिखाना है पी वाई ऑर्बिटल में। ये थियरी आपको कोई पूछने वाला नहीं है, जस्ट ओवरलैपिंग आपको बता रही हूँ कि प्लस प्लस का ओवरलैपिंग होगा तो आपको प्लस प्लस साइन ऊपर दिखानी है और माइनस माइनस साइन है वो नीचे दिखानी है। सेम यहाँ पे साइड में बताया है आपको प्लस प्लस और माइनस माइनस। मैडम बोलो, एक साइड प्लस माइनस हो रहा है, एक साइड प्लस प्लस हो रहा है, तो इसका लॉजिक क्या है? अरे ओवरलैपिंग है, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ओवरलैपिंग होता है तो ये आप देख रहे हो कि प्लस प्लस का ओवरलैपिंग है वो किस तरह से है, ठीक है? जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, इसका कोई लॉजिक है नहीं, इसका कोई लॉजिक है नहीं। जस्ट ओवरलैपिंग प्लस पार्ट के साथ अगर माइनस पार्ट अटैच होता है तो किस टाइप का ये प्लस साइन किस तरह से आपको दिखानी है, बस ये बताया है कि प्लस साइन कहाँ पे रखनी है और माइनस साइन कहाँ पे रखनी है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये आप हाइब्रिडाइजेशन में सारा टॉपिक है वो वन बाय वन देखोगे, उसमें कोई आपको प्लस माइनस पार्ट दिखाना भी नहीं है। ओके, मैं आपको बोलूं कि CH4 मॉलिक्यूल है, ओके, और उसका शेप है टेट्राहेड्रल और उसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको ये भी नहीं दिखाना है कि ये s ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल यहाँ है, एक ऑर्बिटल यहाँ है और एक ऑर्बिटल है वो यहाँ है, इसमें आपको स्टेप के बारे में पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे प्लस माइनस कोई आपको दिखाने वाला है नहीं और आपको भी नहीं दिखाना है, आपको जस्ट ये CH4 मॉलिक्यूल है उसका शेप टेट्राहेड्रल है उतना याद रखना है और उसके बाद उसका शेप के अकॉर्डिंग 3D में उसकी अरेंजमेंट कैसी है वो हमें देखना है। ये तो ऑलरेडी हमने थोड़ा आगे देखा था इसलिए फिर से आपको बताया, ये प्लस माइनस में इतना मत जाओ कि इसका लॉजिक क्या है, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो CH4 मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन वाला हम देख रहे हैं कि CH4 सबसे पहले आपको कौन सा दिया है, CH4 का मॉलिक्यूल दिया है मीथेन का, ओके? उसके बाद मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं बताया है पर हम देखेंगे मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है कार्बन के अकॉर्डिंग। बाद में आपको सिग्मा वाला बताया है पर इससे पहले हम ये देखें CH4 मॉलिक्यूल, ओके? CH4 मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सबसे पहले कोई सेंट्रल एटम है उसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखनी पड़ेगी, ओके? CH4 में कार्बन है वो सेंट्रल एटम है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, हीलियम लिखा है ऑलरेडी तो भी एक बार बता देते, 2s2, ओके, 2s2 देन 2p2, ये कॉन्फिगरेशन हुई किसकी, कार्बन की। अब आपको बताया है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, बट एक्साइटेड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको बताई है 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, पर ये कब होगा, ये कब होता है, तो ये जब हाइड्रोजन के साथ कार्बन मॉलिक्यूल है, जब हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तब ये इलेक्ट्रॉन है जो आगे 2s में दिया है, आगे 2s में दिया है और 2p में भी दिया है, ओके? ये पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है आउटर सेल, जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, पी में आप देख रहे हो कि पी दो पी है वो भरी हुई है, दो पी ऑर्बिटल है वो भरी हुई है, हम देखते हैं वन बाय वन, ओके? ये मान लो कि ये 2s2 है और ये 2p2, पहले तो हमें तीन ऑर्बिटल ड्रॉ करनी पड़ेगी। भाई ये नोट डाउन करो, ये बुक में नहीं दिया है CH4 के बारे में, बुक में नहीं दिया है पर ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं आपको, ओके? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बुक में नहीं दिया है, मैंने नहीं देखा है, अगर दिया है तो पीछे में भी दिया होगा, पर ये नोट डाउन करो 2s2 और 2p2 अनपेड में रखो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, ओके? 2s2 2p2। अब बोला है कि ये एक्साइटेड स्टेट होती है तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है और वो किसमें, उसमें जहाँ पे 2s ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, px py pz ये तीन ऑर्बिटल है, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स में आपको बताया है ये तीन ऑर्बिटल है, ओके? ये px है, py है और pz है, तो ये एक्साइटेड स्टेट वाली कंडीशन आती है। पर एक्साइटेड स्टेट वाली कंडीशन कब आएगी, जब कार्बन कोई मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, कार्बन है
वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो वो उसकी कैपेबिलिटी है वो चार हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, क्यों? क्योंकि उसकी आउटर सेल में चार इलेक्ट्रॉन है, इतना हमें अब तक याद रखा था कि चार इलेक्ट्रॉन है, पर चारों इलेक्ट्रॉन है, वो चारों इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो पेयरिंग है, ये कैसे अटैच होगा, ये तो ऑलरेडी पेयरिंग फॉर्म में है। पर जब कोई मॉलिक्यूल इसके क्लोज आता है, सपोज मान लो कि चार हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करता है, तब या ये जो 2s वाली ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट मीन्स उसकी नेक्स्ट वाली ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल एम्प्टी है, ये ऑर्बिटल एम्प्टी है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, क्योंकि चार हाइड्रोजन एटम उसके क्लोज आया है और वो चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी जरूरत है, उसको भी जरूरत है, वो चार एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। और क्यों बनाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यहाँ पे आप टोटली देख रहे हो कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसलिए वो दूसरे चार इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोई चार एटम अगर ज्वाइंट होना चाहता है तो आसानी से वो हो सकता है, क्योंकि उसके पास चार इलेक्ट्रॉन है, चार हाइड्रोजन है, तो चार इलेक्ट्रॉन भी हो गए चारों हाइड्रोजन के पास। तो ये चारों हाइड्रोजन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, किसको? ये एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, यहाँ पे ये दूसरा हाइड्रोजन आया, ये किसका? दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, ये किसका आया? हाइड्रोजन का आया। यहाँ पे भी दूसरा इलेक्ट्रॉन रख दो इस तरह से डॉटेड फॉर्म में, और ये जो स्पिन है आपको अपोजिट में दिखानी है, स्पिन वाला एरो ले लेते हैं, यहाँ पे भी दूसरा इलेक्ट्रॉन आया है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे भी आया है हाइड्रोजन का। इसका मतलब ये एक s ऑर्बिटल है, ये एक os ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल है। CH4 मॉलिक्यूल तो बन गया, कैसे बना वो आपको पता चल गया कि चार हाइड्रोजन अटैच होता है कार्बन के साथ, कार्बन में चार इलेक्ट्रॉन है। अब तक हमने ये देखा था कि कार्बन की चार वैलेंसी है, और यह चार वैलेंसी क्यों है? क्योंकि उसकी वैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन है तो आपको यह पता चला कि भाई चार इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक तो पेयरिंग है, यह तो पेयरिंग था ना, ये 2s2 था। पर हमने क्या करा कि जब चार एटम, चार हाइड्रोजन एटम उसके क्लोज आते हैं तो डायरेक्ट वो क्या कर देता है, ये s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट वाली जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल उसमें भेज देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की, वहां पे ये ऑर्बिटल है ये टोटली एम्प्टी थी, वहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन रहे तो आसानी से वो दूसरा हाइड्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है, इसलिए ये चार एटम इस तरह से जुड़ सकते हैं कार्बन के साथ। कार्बन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है एस और पी में, तो इस तरह से ज्वाइंट हो सकते हैं। तो इस तरह से ये सी एच फोर मॉलिक्यूल, इसलिए हम बोलते हैं कि सी एच फोर मॉलिक्यूल है, उसका हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा आपको? तो अब आपको ये देखना है कि ये ऑर्बिटल है या क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन है वो उसकी ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट मान लो, दो मोबाइल चालू मत रखना या तो ऑडियो ऑफ कर दो अपना, पेयरिंग फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन है ओके, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में गया इसका मतलब ये हाइब्रिड हुआ है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड हुआ है ओके। ये आप थियोरी में देखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पर एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए CH4 मॉलिक्यूल है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल कंबाइन होकर चार एटम के साथ, चार हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होती है, और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम बोलते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ये क्वेश्चन तीन मार्क में आ सकता है, एक मार्क में भी आ सकता है कि CH4 मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या है, शेप क्या है? तो टेट्रा हाइड्रल शेप है, ऑलरेडी हमने आगे एक सेंटेंस में देखा हाइड्रल शेप है, और हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो ऑफ करो, किसका चालू है मैम? दो दो अक्षर है।
कौन अक्षर अक्षर ऑडियो ऑफ रखना अक्षर भाई साहब दो दो है अक्षर ये तुम्हारा मोबाइल दोनों में तुम हो कि कोई और है अरे नहीं मैं ही हूँ एक हूँ ओके ऑफ कर दो अपना ऑडियो ऑडियो ऑफ रखो अपना मेरा ऑफ ही है मैम पहले से ऑफ और ये प्रेजेंट ले लो टाइम खत्म किसने रिकॉर्डिंग चालू की है मैडम किसने रिकॉर्डिंग चालू की है मैंने करी है डोंट वरी मैंने करी है मैम मैंने भेज दिया है आपको ओके भाई ये धार्मिक है उसको प्रॉब्लम है इसलिए रिकॉर्डिंग करके उसको भेजना पड़ेगा इसलिए रिकॉर्डिंग करी है डोंट वरी ओके अब बॉन्ड एंगल के बारे में बताया है कि बॉन्ड एंगल है CH4 मॉलिक्यूल में उसका बॉन्ड एंगल हमने अभी देखा 109.5 है 109.5 है तो ये क्यों है ये हमें देखना है कि ये बॉन्ड एंगल आपको बताया पर ये क्यों है तो ध्यान से देखना थोड़ा शेप के बारे में आपको बता दूं कि कार्बन है उसके साथ चार हाइड्रोजन मैंने टेंथ में आपको बताया था थोड़ा जिसको याद होगा तो अच्छा होगा नहीं याद होगा तो यहाँ पे देख लोगे डोंट वरी कि कार्बन में ये चार हाइड्रोजन की अटैचमेंट चार हाइड्रोजन को आपको कहाँ रखना है ठीक है ये क्यूब ड्रॉ कर लो वीडियो में ओके ये हो गया अब बीच में कार्बन रखो कार्बन को बीच में रखना है और चार हाइड्रोजन की अरेंजमेंट करनी है हमें ओके दो हाइड्रोजन को यहाँ पे अरेंज करो दो हाइड्रोजन की एक मिनट दो हाइड्रोजन यहाँ ऊपर रखो ओके और बाकी के दो हाइड्रोजन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन है कोई एक साइड है ठीक है दो कॉर्नर है उसके अपोजिट कॉर्नर में आपको दूसरे दो हाइड्रोजन है उसको अरेंज करना है उसको पुट आउट करना है यहाँ पे रख दो ये दो कॉर्नर है उसके अपोजिट कॉर्नर में नीचे आपको दो हाइड्रोजन रखना है उसका शेप ऐसा है बता रही हूँ इसका शेप कैसा होगा टेट्राहाइड्रल आपने नाम सुना टेट्राहाइड्रल है ठीक है चारों साइड हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन की अरेंजमेंट कैसी होगी वो बता रही हूँ कि मान लो एक क्यूब है क्यूब में 3D में आपको बता रही हूँ कि ये दो हाइड्रोजन है वो कोई एक कॉर्नर पर है क्यूब के एक एक कॉर्नर पर है और किस कॉर्नर पे आपको रखना है सामने सामने बाजू बाजू में नहीं सामने सामने रखना है उसके अपोजिट कॉर्नर में नीचे दो हाइड्रोजन की अरेंजमेंट करनी है तो ये कर दी आपने ऑडियो ऑफ करो किसका चालू है मैम ये क्यूब वाला वापस समझाओ मैम ये क्यूब वाला वापस समझाओ मैं समझा रही हूँ पर अपना ऑडियो ऑफ करो प्लीज भाई दो दो मोबाइल चालू करके आप ऑडियो ऑन कर रहे हो और आपको ये मैम ये अक्सर भावसार है दो मोबाइल से कनेक्ट हुआ ये आप हर बार दो दो मोबाइल करके मुझे भी यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल स्टार्ट करती हूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम आती है क्या आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती दो दो आवाज कैसे सुन सकते हो आप एक क्यूब इमेज करो कि क्यूब है ओके और क्यूब के दो कॉर्नर ऐसे चूज करो कि वो अपोजिट हो मींस बाजू बाजू में आपको हाइड्रोजन नहीं रखना है ये वाले कॉर्नर पर हाइड्रोजन नहीं रखना है कहाँ पे रखना है सामने सामने हाइड्रोजन रखना है अब आपने ऊपर दो हाइड्रोजन अरेंज कर दिया ऊपर वाला दो कॉर्नर है क्यूब का वहां पे दो हाइड्रोजन की अरेंजमेंट कर दी ओके तो उसके अपोजिट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नीचे ये वाला कॉर्नर है उसके अपोजिट कॉर्नर मीन्स ये वाला कॉर्नर है उसके नीचे वाला ये दो कॉर्नर है ठीक है नीचे की साइड में दो हाइड्रोजन की अरेंजमेंट करनी है और ये शेप आप देखो थोड़ा मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की ट्राई करती हूँ मान लो ये ऊपर वाले दो हाइड्रोजन है ओके थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा इमेज करना भाई इसमें इमेजिनेशन पावर होना चाहिए अगर नहीं होगा जिसका इमेजिनेशन पावर नहीं होगा जिसका ग्रास्पिंग पावर अच्छा है आई थिंक मुझे लग रहा है उसको जल्दी से पता चल जाएगा कि मैं हाइड्रोजन बता रही हूँ तो वो किस कॉर्नर में है ओके किस कॉर्नर में है वो डायरेक्ट पता चल जाएगा अगर नहीं पता चलेगा तो जस्ट आपको याद रखना है इसका शेप कितना है भाई कैसा शेप है उसका टेट्राहेड्रल है और बॉन्ड एंगल उसका
109.5 है, तो ये हाइड्रोजन, ये एच सी और एच, ये चारों एच सी एच बॉन्ड हैं, टोटल चार सी एच बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल है वो 109। हर एक हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5। यहाँ पे भी 109.5, यहाँ पे भी 109.5 और यहाँ पे भी 109.5। चारों एच सी एच बॉन्ड है, चारों एच सी एच बॉन्ड है, उसका बॉन्ड एंगल है 109.5, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल, ये आपने तो मेजर नहीं करा और मैंने भी नहीं करा, थियोरिटिकल दिया है तो याद रखना पड़ेगा कि बॉन्ड एंगल इसका 109.5 है। ओके, और ये थोड़ा इमेजिनेशन पावर रखना, घर पर ये क्यूब ड्रॉ करना और ऊपर दो हाइड्रोजन रखना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट कॉर्नर में नीचे दो हाइड्रोजन की अरेंजमेंट आपको करनी है। ऑडियो ऑफ कर दो बेटा, किसका ऑन है? लास्ट हमारी 1 मिनट बाकी है। ये कार्बन CH4 का हमने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, CH4 का आपको दिया भी नहीं है तो भी ये जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है। ओके, डायरेक्ट आपको BCl2 का दिया है, उसके बाद sp3 ओके यहाँ दिया है, देखो 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर, तीन p ऑर्बिटल है, इसका मतलब है उसका ऑडियो ऑफ कर दो, उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। s ऑर्बिटल है वो एक ही है, तो फोर्थ पार्ट में s ऑर्बिटल है उसका परसेंटेज में उसका इतना एरिया होगा, 25% एरिया s ऑर्बिटल का होगा और 75% एरिया किसका होगा? p ऑर्बिटल का होगा। ये फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ये देखेंगे शेप। आपको यहाँ पे बताया है चार हाइड्रोजन है, उसमें सिग्मा बॉन्डिंग बताया है कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, s ऑर्बिटल बताई हाइड्रोजन की, और ये p ऑर्बिटल को प्लस फॉर्म में बता दिया है। यहाँ पे आप नहीं देख रहे हो कि भाई ये क्या, यहाँ पे तो आपने ओवरलैपिंग सिखाया था, यहाँ तो प्लस माइनस था, पर यहाँ पे तो हम सब जगह पे क्या देख रहे हैं, प्लस है यहाँ पे, तो ये प्लस प्लस क्यों? ओके, ये डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा ये माइनस। ऑडियो कोई नाम बदल के आ रहा है और मैडम वो लीला दहे को, अच्छा कोई नाम बदल के आ रहा है देवेन का, देवेन का नाम बदल के आ रहा है।